दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप टूर के बारे में। टुडेज वीडियो ऑल अबाउट लक्षद्वीप टूर। वी विल डिस्कस हाउ वी कैन विजिट एंड एंजॉय द मेनी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, पानी आ रहा है मुँह में, बेस्ट प्लेस टू विजिट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जाने के लिए परमिशन कैसे ले जाती है, लक्षद्वीप टूर का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट हाउ मच विल इट कॉस्टली फॉर लक्षद्वीप ट्रिप। पैसा होगा जेब में तो जाएगा ना, एंड हाउ टू गेट परमिट। इसके साथ बात करेंगे कि आप पैकेजिंग बुकिंग कैसे कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बट उससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो। जिसके साथ आप घूमने जाओगे उनको शेयर करना तो बनता है ना, पता चलना चाहिए उनको भी कितना खर्चा है और कहाँ घूमना है। लक्षद्वीप इज फेमस फॉर स्मॉल बीचेस, आइलैंड एंड सम वाटर एक्टिविटीज। प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप इज गुड। लक्षद्वीप हैज एवरीथिंग दैट मालदीव हैज, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया इट शुड बी लक्षद्वीप फर्स्ट फॉर टूरिज्म देन मालदीव्स। तो भारतीयों को अपने देश के हित के लिए लक्षद्वीप ही जाना चाहिए, ना कि मालदीव्स। ये सारी एक्टिविटीज हमको लक्षद्वीप में भी मिल सकती हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, जो यूथ को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। यहाँ का वाटर क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। अंडर वाटर आप क्लीन दिखता है लाइक फिश, एंड देयर एनवायरनमेंट आपको क्लीन दिखेगा आसपास का एरिया। अब इन सब चीजों को एंजॉय एंड माइंड फ्रेश करने के लिए ट्रिप पर कैसे जा सकते हैं, आइए जानते हैं। दो तरीके से हम लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं, क्रूज एंड बाय फ्लाइट, जिसके लिए आपको केरला में प्रेजेंट कोची शहर से जाना होगा, देन आप क्रूज या फ्लाइट से जा सकते हैं। बट आई सजेस्ट यू शुड गो बाय क्रूज, बिकॉज उससे आपको जो पीसफुल रिलैक्स मिलेगा व्हेन देयर इज वाटर ऑल अराउंड यू, एंड एज अ कपल यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद योर पार्टनर। क्रूज से जाने के लिए प्राइस की स्टार्टिंग 500 से 8000 तक है। जितना महंगा टिकट उतनी ज्यादा फैसिलिटी एंड एंजॉयमेंट। यू कैन फील क्रूज के थ्रू कोची से लक्षद्वीप जाने में आपको 15 टू 18 घंटे लग सकते हैं। इफ यू वांट टू गो बाय फ्लाइट, देन आपको कोची एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के अगाटी एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी मिलती है। गाइज रिमेम्बर वन थिंग, आप जितनी जल्दी और जितने दिन पहले टिकट करेंगे उतना अच्छा होगा, उतने आपको टिकट सस्ती पड़ जाती है। फ्लाइट से आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे लगते हैं, और यहाँ पर फ्लाइट के टिकट की बात करें तो 5000 से 7000 तक आपको टिकट मिल सकते हैं। Now talk about how to get permit for लक्षद्वीप tour, because it compulsory। आपको ये permit spot office यानी कि लक्षद्वीप administrative office जो कोची में ही present है वहाँ से permission ले सकते हैं। आप online भी permit कर सकते हैं इस website से, but लेकिन अगर आपने लक्षद्वीप का full package book करा है तो आपको permission लेने की जरूरत नहीं है, कोई need नहीं है, क्योंकि उस package में ही already add रहती है permission। Now we discuss about where you should stay and what about food facility। यहाँ पर resort है जिनके price 8000 से 10000 तक है, and sea food तो यहाँ पर काफी famous है। आपको वहाँ पर food का खर्चा per day 1000 rupees तक हो सकता है। Now let us talk about where you should visit in लक्षद्वीप। लक्षद्वीप घूमने के लिए आपको 5 दिन का plan बनाना चाहिए। You can visit Minicoy Island on first day। Cruise आपको Minicoy Island पर ड्रॉप करता है, एंड अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो वो आपको अगाटी ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट डे आप वहाँ भी जा सकते हैं, एज योर चॉइस। गाइज Minicoy आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है, एंड दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ टूरिस्ट वाटर एक्टिविटीज इंजॉय करते हैं। Minicoy आइलैंड के बाद आप लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर जाके आसपास का व्यू देख सकते हैं, एंड यू फील अमेजिंग। देन डे टू को आप Minicoy आइलैंड से कालपेनी आइलैंड प्रिफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको शिप मिल जाती है। इसका प्राइस 2000 से 3000 तक लग सकता है, और 4 से 5 घंटे लग सकते हैं आपको वहाँ पर जाने के लिए। यह आइलैंड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि टाइम कब चले जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका इतना ज्यादा मन लग जाएगा यहाँ पे, बिलीव मी।
देन गाइस डे 3 आप कल पानी आइसलैंड से कदमत आइसलैंड के लिए जा सकते हैं बाय शिप और बोट एंड प्राइस 3000 से 3500 तक है। लक्षद्वीप के सभी आइसलैंड में से सबसे क्लीन पानी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग जैसी वाटर एक्टिविटीज आप इंजॉय कर सकते हैं। वाटर सबसे क्लीन होने के कारण लोग सबसे ज्यादा यही वाटर एक्टिविटीज करते हैं। स्कूबा डाइविंग का प्राइस 2000 पर पर्सन तक होता है। यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा कि शायद ही आप कभी लाइफ में भूल सकते हैं। इसके बाद आप कोची वापस आ सकते हैं। 2 दिन आपके क्रूज से आने में लगते हैं, 2 दिन जाने में लगते हैं और ऐसे ही आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे। ज्यादा टाइम है तो आप और भी आइसलैंड में विजिट कर सकते हैं। यहाँ का बेस्ट टाइम माना जाता है अक्टूबर टू अप्रैल। अगर टोटल एस्टिमेट अमाउंट की बात करेंगे तो अराउंड 35,000 तक का खर्चा आ सकता है पर पर्सन के लिए, बट इसमें वाटर एक्टिविटीज के प्राइस ऐड नहीं किए गए हैं। इस ट्रिप का आप पैकेजिंग बुक कर सकते हैं, समुद्रम पैकेज जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। इसमें 2 टाइप की क्लास होती है, डायमंड क्लास जो कि ये है एंड गोल्डन क्लास जो कि कुछ इस तरह से है। गाइस एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं है। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लक्षद्वीप जरूर घूम कर आइए और अपने देश को सपोर्ट करें।